राजस्थान कांग्रेस में जोरदार खींचतान। गहलोत गुट किस जिद पर अड़ा। अब माकन सोनिया गांधी को सौंपने जा रहे कैसी रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्षा को मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और मैंने बहुत विस्तार से राजस्थान के अंदर जो विधायक दल की मीटिंग करने के लिए हम लोग गए थे उसके बारे में विस्तार से पूरी की पूरी चर्चा करी और अपनी बात बताई। कांग्रेस अध्यक्षा ने हमारे से एक लिखित रिपोर्ट पूरे घटनाक्रम के ऊपर मांगी है और वो लिखित रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक के हम कांग्रेस अध्यक्षा को दे देंगे। कांग्रेस अध्यक्षा को हमने बहुत विस्तार से सारी की सारी बातों को बताया था। आज सुबह जयपुर के अंदर मैंने दो तीन बातों को बताया था जिसको मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग कल शाम को 7 बजे की रखी गई थी ये मुख्यमंत्री जी के कहने के ऊपर उनकी सहमति से उनके कहने के ऊपर समय और स्थान दोनों के दोनों तय किए गए थे और कांग्रेस अध्यक्षा का बड़ा स्पष्ट निर्देश था कि वहां पर हर विधायक से एक एक करके अलग अलग सबकी राय जान करके वापस रिपोर्ट उनको देनी है और कांग्रेस अध्यक्षा को एक एक करके जब सारी रिपोर्ट सब विधायकों से बात करके देनी थी तो फैसला वहां पे नहीं फैसला यहां पर वापस आकर कांग्रेस अध्यक्षा को हम रिपोर्ट देते और कांग्रेस अध्यक्षा सबसे बात करके उसके बाद में फैसला होता। तो ये स्पष्ट हम लोगों ने कल से सब लोगों को कह रहे थे, अभी दोबारा से कहना चाहते हैं। हमारे पास में कुछ विधायकों के नुमाइंदे जो मंत्री थे वो लोग आए और 3 शर्तें उस वक्त रखी गई। एक शर्त उसके अंदर ये था कि कोई भी निर्णय जो भी रेजोल्यूशन होगा उस रेजोल्यूशन का के ऊपर फैसला 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए और ये रेजोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए। तो उस पर हमारा ये कहना था कि ये कैसे संभव है कि वो व्यक्ति जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं कि सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जाएं, वो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं और 19 अक्टूबर को अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे, तो ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि सब हर विधायक से आप अलग अलग नहीं मिलिए बल्कि आप ग्रुप में मिलिए, समूह में मिलिए। इस पे हमारा ये कहना था कि कभी भी ऐसा कांग्रेस में नहीं होता है कि विधायक दल की मीटिंग के अंदर समूह में बात करी जाए, सब विधायकों से अलग अलग बात करी जाती है ताकि सब लोग फ्री एंड फेयर तरीके से अपनी बात को कह सके, कभी भी ग्रुप में बात नहीं होती। तीसरा उन्होंने ये कहा कि जो 102 लॉयल जो विधायक अशोक गहलोत जी के खेमे में हैं उन्हीं में से बनाया जाना चाहिए, जो लोग उस वक्त दो साल पहले अशोक गहलोत जी के साथ में थे। तो इस पे हमने ये कहा कि जो भी फैसला होगा आप लोगों की बात को स्पष्ट तरीके से कांग्रेस अध्यक्षा के सामने रखा जाएगा, हरेक विधायक जो कहेगा वो रखा जाएगा और कांग्रेस में कभी भी जो भी हम लोग प्रस्ताव पास करते हैं उसके साथ कंडीशंस नहीं लगाई जाती हैं, बगैर कंडीशंस के जाती हैं और सारी बातें कांग्रेस अध्यक्षा को बताई जाती हैं और वो फिर अपनी विवेक से और सब लोगों से चर्चा करके मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके उसके ऊपर फैसला होता है। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये सारी की सारी बातें होने के बाद भी वो मीटिंग नहीं हो पाई। हमने पूरी की पूरी जानकारी कांग्रेस अध्यक्षा को जैसे मैंने कहा हमने दिया है, उन्होंने लिखित रिपोर्ट विस्तार से इसके बारे में मांगी है, जो लिखित रिपोर्ट हम लोग आज रात को या कल सुबह तक के हम दे देंगे। धन्यवाद।